बिल्कुल साफ था, जिस तरह की न्यूज यहाँ से मुझे मिल रही थी कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं और यहाँ माहौल खराब हो सकता है, नुकसान हो सकता है। वास्तविक स्थिति वो जानने के लिए आया था, मुझे यहाँ के लगा कि ऐसी कोई स्थिति ज्यादा नहीं। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे थे कि यहाँ से इस्लाम धर्म के लोग हैं, मुसलमान भाई पलायन कर रहे हैं, तो ये देश लोकतांत्रिक देश है और सबकी सुरक्षा की, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी संविधान ने दी है। जो अधिकारी यहाँ बैठे उनसे भी बात करने के लिए, मुझे अच्छा लगा उनसे बात के, उन्होंने विश्वास भी दिलाया, उन्होंने कहा भी कि जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे अपने धार्मिक उत्सव के लिए वो सब लोग यहाँ से चले गए। तो ऐसे में अच्छी बात है कि यहाँ किस तरह कोई ट्रेजेडी या कुछ कैजुअलिटी नहीं हुई, सब चीज ठीक है, तो ये जानने के लिए मैं यहाँ आया था। अच्छा ये बताएं, आपका जो संगठन है आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह की भूमिका अदा करेगा? देखिए, संगठन लोकसभा चुनाव में भूमिका कोई अदा नहीं करेगा, हमारा काम है बहुजन समाज को जागृत करना उनके अधिकारों के प्रति और उनको सामाजिक रूप से एकजुट करना, और बकाया जब बहुजन समाज एकजुट हो जाएगा तो फिर वो अपनी सत्ता को में भागीदारी करेगा। सर अगला सवाल इसी पे है कि क्या बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो सकता है आपका, क्योंकि अगर नहीं होता तो उनका बंटवारा होगा या उनको सहयोग कर सकते? चुनाव नहीं लड़ने वाला मैं, बिहार में कोई पार्टी बना रही है ना कोई पार्टी को वो दे रही है, समर्थन दे रही है, तो इसलिए कोई बंटवारा नहीं होने वाला। बीएसपी मजबूत है, वो लड़ेंगी, मेरा पूरा प्रयास है कि एक मजबूत गठबंधन हो, भाजपा जैसे सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए मजबूत गठबंधन की जरूरत है पूरे देश में। आप समर्थन करेंगे? हाँ, मैं पूरा समर्थन करूंगा और मैं जो लोग दलित एतिसी होने का दावा करते हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो इस बार माननीय बहन जी को के नेतृत्व में जो है पूरे देश में चुनाव लड़े और भाजपा को की सत्ता से बेदखली करवाए। कैसा कदम उठाएंगे जो ये जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी से जुड़े हुए जो संगठन है, राजनीतिक दल है, इनमें जो बिखराव है उसको एक करने के लिए किस तरह कदम उठाएंगे आप? बहुत बिखराव था, लेकिन 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था ओबीसी भाई ने बहुत सहयोग किया, वो उन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्रोलिया भी दी, क्योंकि ये बहुत गरीब कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत आर्थिक से कमजोर है, अपनी ट्रैक्टर ट्रोलिया भी दी, उनका साथ भी दिया, मुस्लिम भाइयों का पूरा सपोर्ट हो, जब भी हमारा 2 अप्रैल का आंदोलन सफल हो पाया। तो ऐसा नहीं ये लोग एकजुट हो रहे हैं, इनको भी समझ आ रहा है क्योंकि इनका वजूद जो है वो संविधान से है और बीजेपी स्पष्ट कह चुकी है वो संविधान बदलने आए, तो जिन लोगों का संविधान की वजह से वजूद है वो एकजुट हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि अब इस बार ऐसी सरकार को वापसी ना कराई जाए जो संविधान बदलने की बात करे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मुद्दों को उछाल रही है, आगे बढ़ा रही है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अपनी नाकामयाबी भी छिपाने के लिए अब यही तो बचा है, हमेशा भाग के आके राम की शरण में आ जाते हैं, इस बार राम भी नहीं उन्हें बचाने वाले क्योंकि राम तो सबके लिए है।